वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे फिश फ्राई, जिसे मैं रोहू फिश से बनाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। फ्राई के लिए मैंने 300 ग्राम रोहू मछली ले ली है, जिसे मैंने 2-3 बार पानी से धो लिया था। आप चाहे तो कोई भी मछली ले सकते हैं। चलिए मैरिनेट करते हैं। बाउल में 2 बड़े चम्मच बेसन, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 1 नींबू का रस भी डाल देंगे। सबको मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है। देखिए इस कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेना है। अब इसमें फिश डाल देते हैं। फिश को हम हाथ से ही मसालों में अच्छे से लपेट लेंगे। देखिए अच्छे से मिला लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए ढक के मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिया है। हमें इसे सेलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे ही हम सारे पीसेस को डालकर तलेंगे। जो मैरिनेशन का मसाला बचा है वो भी मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, जिससे कि और अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाए। इसे हमें पलट पलट कर अच्छे से सेक लेना है। देखिए बढ़िया सिक गई है। अब निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप भी इस डिलीशियस फिश फ्राई रेसिपी को जरूर ट्राई करें। थैंक यू।